बिदर शहर बिदर में आज बिदरी कॉलोनी में एक हादसा पेश आया। फातिमा बेगम के घर में आज सुबह 6:30 बजे गैस के लीक होने की वजह से घर में आग लग गई। मुकामी अफराद ने आकर आग बुझाई और फायर इंजन ने भी आकर आग पर काबू कर लिया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फातिमा बेगम ने बताया कि घर का सभी सामान जल के खाकस्तर हो गया और कुछ अहम कागजात भी जल गए और नकद रकम जो कि 25,000 रुपये अपनी बेटी की शादी के लिए एक बैग में जमा रखे थे वो भी जल के राख हो गए। जुमला 1,70,000 रुपये का नुकसान हुआ, जो कि करीब फातिमा बेगम जो लोगों के घर में काम करती है 1,70,000 रुपये का नुकसान देखकर वो रंज में आ गईं, जो कि इनकी 3 लड़कियां हैं जो जेर तालीम हैं। फातिमा बेगम घर की सारी जिम्मेदारी संभालती हैं। वहाँ की आवाम ने सिटी MLA और एरिया काउंसलर से गुजारिश की है कि फातिमा बेगम के घर का जायज़ा लें और उनकी मदद करें, क्योंकि वह एक गरीब औरत है जिसका कोई सहारा नहीं। रिपोर्ट सैयद मुजीब अहमद, E7 News, बिदर। मैं दर्द है तो लातूर में छाए मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उनका। तीनों भी बच्चे आए, मैं स्कूल में काम करके खा रही थी यहाँ और घर में भी काम करके खाती थी। भाई से लाल खाते थे हम, फिर भी हम घर में नहीं पकाते थे ज्यादा खाना। वो पैसे भी बच्ची के स्कूल एडमिशन में उठ रहे थे, सब चल रहा है, किताबा बच्चों के स्कूल में जाने के और पैसे और सब चल गया। वाली एक ब्याग ले को बच्ची मेरे को बाहर नहीं दना दना आज को बुझा नहीं सके तो बच्चा महीने के लोग आओ सो भागो देखो आओ सिलेंडर। वो कोई थी वो मैं खाना पका रही थी, एकदम आँच छूट गई तो बच्चियाँ कॉलेज को जा रही तो बच्ची पकड़ को बाहर ले गई आँच छूटने के साथ ही। वो भैया बाजू वाले मोहल्ले के लोगों के सिलेंडर बाहर ले गए और बच्ची भी आग लगो बाहर आ गई। बच्चे वाले भी आग लगो सुबह 7 बजे एग्जाम तो बुक चले गए सुबह 6-7 बजे आज लगे वाले आज बच्चे चिल्लाने लगे तो बाहर बच्चे खींच को लाई और गैस लागो 2 दिन पहले जो गा मेरे को आज उठ गए थे। मैं भी चल जाती थी बच्चे अपने को बाहर पकड़ कर लाए सब जल गए बच्चों के पैसे फ्री का था। बोल को मैं ली थी ना तो नहीं लेती थी मैं गैस बच्ची थी बोल को मैं बच गई। बच्चिया बड़े हैं, एक बच्ची कॉलेज का एग्जाम है भी ऐसी तो उन सभी जाने की उन्हें ले कोई ब्याह उसका एक बच्चे फिर कई एक बच्चे और बाद महीने के लोग आ चुट दिए बोल को पूरा सिलेंडर बाहर लाए मेरे को भी लाए। मैं काम करती हूँ घर में काम कर को जमा करी थी वो भी जल गए ब्याज में रखी थी वो ब्याज सब जल गए। 20-25 हज़ार रुपये रखी थी मैं बड़ी बच्ची को खाते दे डबल कर हिसाब रिश्ता भी देख रही थी मैं उसके बाबा जी भी मार खाते में शादी चल रही है पर मैं भैया को रिश्ता कैसे बोल रही थी वो भी जा रही बैग पकड़ने गई गिर गई सब गिर गए। मेरा नाम गुलाम इद्रीस है और बिजली कॉलोनी में जो ये हादसा हुआ है सुबह सुबह के घर में गैस का जो है रेगुलेटर ख़राब होने की वजह से गैस लीक हो गई, इसकी वजह से जो है सारा घर का सामान जल चुका है और 3-3 बच्चे हैं वक्त काफ़ी गरीब लोग आए हैं वो देखते आ रहे हैं और उन अपनी बच्ची के हाथ से जो है जो भी कपड़े वगैरह जमा करे थे वो पूरे जल चुके हैं पूरे जल चुके हैं। पूरे महल्लेदार हमारे सदर साहब भी थे मोहिंदे वगैरह तो वो लोग आके देखे पैर भीड़ आके जो है बचाया आग बुझाए और इसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि हमारे MLA साहब और काउंसलर साहब से भी गुजारिश है कि थोड़ा मदद करे तो और अच्छा रहता है। काफ़ी गरीब लोग हैं और पूरे का पूरा जो है सामान जल चुका है शादी के लिए जो है जो भी उन्होंने जमा करे थे अपराध पूरे का पूरा राख हो चुका है वो, इसीलिए अनबन गुजारिश है और हमारी तरफ से भी हमारे सदर साहब पूरे हमारी गली की तरफ से भी रिक्वेस्ट है उनकी कि ये लोगों की मदद की जाए। शुक्रिया से आँच से लग गए साहब और जो है बच्ची मेहनत मजदूरी कर को खाने वाली 3 औरत बच्चियाँ उसको और जो है उस तरीके से उसकी पूरी जिंदगी जल के राख हो गई साहब और जो है बच्ची की शादी के लिए 30-40 हज़ार रुपये रखे थे वो भी पूरे जल गए पूरा घर को आग लग गई।
कपड़े जल गए, वो जल गए, सब जल गए साहब। बच्ची इस वक्त औरत बच्चा है उसको तीन, और घरों में काम करके मेहनत मजदूरी करके पेट भरती है।